रुद्रप्रयाग के दो दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग एवं माधवाश्रम चिकित्सालय कोटेश्वर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती मरीजों का हालचाल जाना तथा उनसे व तामीरदारों से चिकित्सालय में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। तो स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कोटेश्वर माधवाश्रम चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर सर्जरी ओटी व ऑर्थो ओटी का निरीक्षण करने के साथ ही मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही माधवाश्रम चिकित्सालय के ऊपरी भवन में तैयार हो रहे नवनिर्मित भवन के कार्य में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माधवाश्रम चिकित्सालय को फिलहाल कोविड हॉस्पिटल के तौर पर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा 42 बेड का केयर यूनिट अगले 3 माह में तैयार करने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हॉस्पिटल है उसका जायजा ले लिया जाए तो सर्वप्रथम मैं गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बहुत ही फैसिलिटी का जायजा लिया, लेबोरेटरी फैसिलिटीज और वहाँ पे जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज चल रही है और बाकी पेशेंट से भी मिला और गायनोकोलॉजिकल वार्ड और बाकी सर्जिकल वार्ड में भी मैंने राउंड लिया। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को जल्द से जल्द जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी।